तो वेल गाइस, सभी मैचेस अभी तक जो इस बार समर स्लैम में होने वाले हैं वो ऑफिशियली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कंफर्म हो चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, उसके साथ साथ देखेंगे कि विनर प्रेडिक्शन कौन होने वाला है इन सारे मैचेस का। गाइस, हर बार की तरह आप इस बार भी जान रहे होंगे कि हर बार जैसे यहाँ पर 7 से 8 मैचेस कन्फर्म होते हैं समर स्लैम के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस बार भी ऐसा ही कुछ किया है, क्योंकि ये समर स्लैम ये सेकेंड वन ऑफ द हाईएस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। गाइस, यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर समर स्लैम का हिस्ट्री भी रहा है, सारे रेसलरों का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जहां हम देखने वाले हैं कि अमेजिंग स्टोरी लाइन, उसके साथ साथ यहां पर काफी सारे रेसलरों का शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली इस वीडियो में हम सारे इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर मैचेस का कौन विनर होने वाला है और कौन कौन से मैचेस यहां पर ऑफिशियली कंफर्म हुए और किस रेसलर का यहां पर रिटर्न होने वाला है। तो गाइस, इस बार समर स्लैम में जो कि हमें सबसे पहला मैच देखने को मिला है वो होगा यहां पर अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच। गाइस, मैं ऑफिशियली बता दूं तो ये तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि यहां पर शॉकिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है रॉमा रेंज का। गाइस, इसमें ब्लड लाइन को लेकर यहाँ पर न्यू जो ब्लड लाइन बना है यहाँ पर सोलो सिकोवा का, उसमें काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। पुराने रेसलर हुआ करते थे जैसे जिमी उसो, जे उसो, सेमी जेन और भी काफी सारे रेसलर थे, वहाँ पर इन्होंने विड्रॉ कर दिया, सोलो सिकोवा ने उनको निकाल दिया ब्लड लाइन से। इसकी वजह से हो सकता है कि इनके बीच यहाँ पर फाइट चल रहा हो और यहाँ पर शॉकिंग रिटर्न हो जाए रॉमा रेंज का और यहाँ पर नया ट्विस्ट देखने को मिल जाए। सोलो सिकोवा इस समय अपने आप को खुद एक ट्रैवल चीफ के रूप में मान रहे होंगे, तो यहाँ पर एक ट्रैवल चीफ वर्सेस ट्रैवल चीफ मैच भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो भी होगा वो कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉकिंग रिटर्न तो होने ही वाला है रॉमा रेंज का और देखने को मिलने वाला आखिर क्या कुछ होगा इस बार समर स्लैम के बीच। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट नंबर 2 पे हमें मैच देखने को मिलेगा पर गुंथर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट के बीच। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये जो मैच होने वाला है वो होगा यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहाँ हो सकता है कि जजमेंट डे के रेसलर आकर इस मैच में दखल अंदाज कर दे। सारे प्रेडिक्शन यहाँ पर गुंथर को लेकर आ रहे हैं कि इस बार गुंथर ही विन करने वाले हैं इस बार समर स्लैम मैच में। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट नंबर 3 पे होगा वुमेन्स चैंपियनशिप मैच वो लिव मॉर्गन और रिया रिप्ले के बीच। गाइस, इनके बीच एक रैलवरी चल रही है रिया रिप्ले और यहाँ पर लिव मॉर्गन के बीच, और साथ में यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी फंसे हुए हैं। जहाँ गाइस, अभी हाल की स्टोरी लाइन में देखने को मिला था कि लिव मॉर्गन ने अपने जाल में फंसा लिया था लेफ्ट ट्रायंगल में यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो गाइस, इस मैच के बाद ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो किसके साथ रहने वाले हैं, लिव मॉर्गन या फिर रिया रिप्ले के साथ। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट नंबर 4 पे हमें मैच देखने को मिलेगा नाया जैक वर्सेस बेली के बीच। यही बात इनके मैच की प्रेडिक्शन के, तो इस मैच में यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है यहाँ पर बेली ही जीतने वाले इस मैच को। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट नंबर 5 पे हमें मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉगन पॉल वर्सेस एलए नाइट के बीच। तो गाइस, इस मैच में भी काफी सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है समर स्लैम ये होगा होम टाउन यानी कि लॉगन पॉल के होम टाउन में। इस मैच को फेवरेट यही बताया जा रहा है कि इस मैच के जो विनर होंगे वो लॉगन पॉल ही होंगे। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट नंबर 6 पे हमें मैच देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच। तो यहाँ पर सीएम पंक को काफी समय हो चुके हैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किए हुए, पर एक बार भी अभी मैच यहाँ पर वो ऑफिशियली फाइट नहीं किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो इस मैच में इनके बीच यहाँ पर एक फाइट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर शॉकिंग और इंटरेस्टिंग मोमेंट ये होने वाला है कि इस मैच में यहाँ पर सेथ रॉयल होंगे रेफरी। और आप तो जानते हैं अगर यहाँ पर सेथ रॉयल रेफरी होंगे तो इनको काफी सारे यहाँ पर ट्विस्ट मोमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस, फाइनली लास्ट नंबर 7 पे मैच हमें देखने को मिलेगा ब्रॉन ब्रोकर वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच। तो गाइस, यहाँ पर ब्रॉन बेकर का साथ ये पहला मैच होगा जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बार समर स्लैम में, क्योंकि वो यहाँ पर एनएक्सटी से डायरेक्ट यहाँ पर इनहेल्ड हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और रही बात इस मैच के विनर प्रेडिक्शन की, तो इस मैच का जो विनर प्रेडिक्शन होने वाले वो होंगे यहाँ पर सेमी ज़ेन ही। तो गाइस, ये रहे सभी ऑल प्रेडिक्शन यहाँ पर समर स्लैम मैचेस की।